नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। चुनाव के मद्देनजर में जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव पहुंचा अतिरिक्त सुरक्षा बल। सीआरपीएफ की टुकड़ी और पुलिस ने कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च। कस्बे सहित विभिन्न गांवों में निकाला गया फ्लैग मार्च। चुनाव के दौरान नगर में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से की गई। आगामी 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल की एक टुकड़ी मैनपुरी पहुंच गई है। सीआरपीएफ की टुकड़ी के साथ पुलिस के जवानों ने आज कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी भोगांव एवं एसडीएम ने किया। कस्बे में फ्लैग मार्च निकालने के बाद विभिन्न गांव नगला, अलीपुर पट्टी, अलीपुर खेड़ा, रकरी, भैंसरौली, हुसैनपुर से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया एवं शांतिपूर्ण वातावरण में कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने का संदेश दिया गया। निकाला गया है, इसको क्या समझा जाए, चुनाव की दृष्टि का देखा जाए, सुरक्षा हेतु या कुछ अन्य कारण है इसके? आज सुबह 9 बजे से हमने सीआरपीएफ की जो टीम आई है उसके साथ हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। एरिया डोमिनेशन में हम लोग आज नगला वन गांव, अलीपुर पट्टी, अलीपुर खेड़ा और बरहट, रकड़ी, उसके बाद भैंसरौली और वहाँ से हुसैनपुर गांव होते हुए हम लोग भोगांव कस्बे में हमने भ्रमण किया है। भ्रमण के दौरान हम लोगों ने पैदल मार्च किया है। सभी जगह पर मतदाताओं से बातचीत की गई है, उन्हें आश्वस्त किया गया है, उनमें विश्वास लाया गया है कि किसी भी प्रकार की डरने की बात नहीं है, पुलिस फोर्स मौजूद है और निर्भय होकर अपना मतदान सुनिश्चित करें।